हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कैरेमल सॉस, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। सबको खाने में टेस्टी लगती है, यानी बच्चों को भी और बड़ों को भी। और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। आगे मैं इसका यूज़ भी बताऊंगी कि आप इसको किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट नहीं चाहिए, सिर्फ ये तीन इन्ग्रीडियंट आप देख रहे हैं। इन्हीं तीनों से हम कैरेमल सॉस बनाएंगे। और कैरेमल सॉस, टॉफी सॉस और बटर स्कॉच सॉस, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, अलग अलग नहीं है ये। तो हमने यहाँ ली है ये चीनी, चीनी हमने ली है इस वाले कप से नाप के, एक कप चीनी, एक कप अमूल फ्रेश क्रीम, और ये हमने लिया है आधा कप बटर। ये मैंने अमूल बटर लिया है, तो ये सॉल्टेड है। और अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो दो चुटकी के करीब नमक ज़रूर मिलाएं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। आप गैस को हमने ऑन कर दिया है और ये पैन रख दिया है, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। एक हल्का सा गर्म हो चुका है, और इसमें हम डालेंगे चीनी। और चीनी को जब पैन या कढ़ाई में डालेंगे तो इसको इस तरीके से फैला के डालेंगे। चीनी को हमें करना है कैरेमलाइज्ड, और आँच को हमें बिल्कुल सिम पे रखना है। और इसमें हमें इस चीनी में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, ये धीमी आँच पे अपने आप क्रिस्टलाइज जो है ये अपने आप मेल्ट होगी। अभी क्रिस्टल में है चीनी, उसके बाद धीरे धीरे ये मेल्ट होगी और कैरेमलाइज्ड होगी। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए साइडों से चीनी क्रिस्टलाइज जो थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। यानी चीनी के जो क्रिस्टल थे वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हुए हैं, और यही सॉस बनेगी धीरे धीरे। ये देखिए चीनी कैरेमलाइज्ड होना शुरू हो गई है। लेकिन जब भी आप चीनी को किसी भी चीज़ के लिए कैरेमलाइज करें तो कभी भी उसमें स्पैचुला नहीं डालना चाहिए, ना ही चलाना चाहिए। अगर इस स्टेज पे हम स्पैचुला डाल के चला देंगे या इस पैन को हम हिला देंगे तो वो जो चीनी है मिक्स हो जाएगी, यानी जो कैरेमल बन रहा है चीनी का और जो चीनी के क्रिस्टल है वो दोनों मिक्स हो के, और फिर वो मेल्ट होना बंद हो जाएगी और बहुत मुश्किल से मेल्ट होगी। इसलिए इसे इसी तरीके से मेल्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गैस पे एक तरफ आँच ज़्यादा लग रही है तो आप बहुत धीरे से इस तरीके से इसको कर सकते हैं, पैन को घुमा सकते हैं, जिधर आँच ज़्यादा है उधर थोड़ा सा उस तरफ से घुमा सकते हैं। बस अब धीरे धीरे ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए अच्छी तरीके से चीनी मेल्ट हो गई है, थोड़े थोड़े ऊपर दाने बचे हैं। इस स्टेज पे हम इसे चला सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान आपको ये भी रखना पड़ेगा कि जो कैरेमल बना रहे हैं उसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन रहे। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो इसका मतलब है कि चीनी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है और कड़वा हो जाएगा। ये जो हम ये कैरेमल बना रहे हैं वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखें, और फिर टेस्ट अच्छा भी नहीं आएगा। अब इस तरीके से इसे हम चला सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये मक्खन, यानी ये अमूल बटर डालेंगे, और इसे हमें बहुत जल्दी चलाना है अच्छे से इसमें। और जो बटर और क्रीम हम लेंगे वो ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पे हो, ठंडी क्रीम या ठंडा बटर नहीं लेना है। और अच्छे से इसको मिलाएंगे इसमें। और आँच को हमें बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल भी आँच को तेज नहीं करना है। और स्लो पे भी अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा तेज आँच लग रही है तो थोड़ा सा या तो 1 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए इसको बंद कर दें, क्योंकि कैरेमल अगर डार्क कलर का हो गया कड़वा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मक्खन अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें।
और अब हम डालेंगे इसमें क्रीम और इसको भी हम साथ साथ मिलाते जाएंगे। तुरंत ही हमें इसे मिक्स करना है, नहीं तो क्रीम के लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए, सिर्फ हमें 4 से 5 मिनट में ये सॉस तैयार मिल जाएगी और जब हम क्रीम मिलाएंगे तो बस सिर्फ हमें क्रीम अच्छे से मिक्स करनी है। बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और कैरेमल सॉस बनके बिल्कुल तैयार है। तो गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, ये कैरेमल सॉस बनकर तैयार है और बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहनी चाहिए, थोड़ी लिक्विडी हो रही है अभी। और इसको हम एयर टाइट जार में भर कर रखेंगे। जितने दिन ये रखी रहेगी और ज़्यादा गाढ़ी होती रहेगी, तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके की रखेंगे हम। और इसको हम भरेंगे एयर टाइट जार में। तो ये लीजिए, बहुत ही यमी और टेस्टी कैरेमल सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी बहुत कम समय में और बहुत कम इंग्रेडिएंट से। तो इसे ज़रूर बनाएं। और इसको स्टोर करने का तरीका जो है वो आप एयरटाइट जार में भर के इसको फ्रिज में स्टोर करें, 2 से 2.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। और जब आपको यूज़ करनी हो तो थोड़ा सा इसको गर्म करके यूज़ करें, या तो 30 सेकेंड के लिए आप माइक्रो करें, इसको माइक्रोवेव में करें गर्म, या फिर थोड़ी सी गुनगुनी गैस पे करें और फिर इसको यूज़ करें। और आप इसको मिल्कशेक, केक, आइसक्रीम, डेजर्ट और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।